एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मेरा पाकिस्तान में डे टू है और मैंने सोचा आज से मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। खैर अभी मैं सो के उठी हूँ और अभी नाश्ता करते हैं। जो है ना मरियम कार्टून देख रही है। मरियम क्या देख रहे हो? ओ मरियम बहुत चलाक है। और ये अली मासूम अली आई, इधर आओ। नानू घर आए हुए हो? ये मरा मछूम चाली है जी अली। अभी हम नाश्ता बनाते हैं। अभी जो है ना मामा ने ये रोटियां बना के रखी हुई हैं मक्खन के साथ। अभी बनी पड़ी है, इसके साथ मैं बनाऊंगी फ्राइड एग। आपकी बात तो मैं पाकिस्तान आती हूँ तो मैं ब्रेड भी नहीं खाती, ब्राउन ब्रेड भी नहीं खाती, पराठे तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मामा से कहती हूँ कि आप ऐसे रोटी बना दें सूखी और उसके ऊपर मक्खन लगा दें थोड़ा सा, क्योंकि वो बेस्ट रहता है। तो अभी हम एक रोटी, एक अंडा और चाय का कप नाश्ता करेंगे, साथ साग भी लेंगे थोड़ा सा। यार ये हमारी रोटी है, अंडा साग विद टी, परफेक्ट ब्रेकफास्ट। दादा भी हमारे पास बैठ के खाना खा रहे हैं। प्रिंस हर हमारे स्कूल से, इनकी मामा घर नहीं, और इनका प्यार देखे मुझे कह रही बाहर चले। और जब मामा घर होती है इतना सा भी सलूक नहीं होता इनका। और ये कह रहा खोल दो, इसने वन स्लाइम लगा दी। खोल तू सो है। और ये इसने टीचिंग स्टार्ट कर दी। उस कहाँ टीचिंग करती हो मैडम? उस Bro, what are you talking about, man? घर आई तो सबने जॉब स्टार्ट कर दी। इकरा बाजी ने भी, उसने और ये स्टूडेंट्स, किन स्टूडेंट्स को पढ़ाती है? बी फार्मेसी बाजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। और मुझे कहती है जितनी मैं हूँ उतनी स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक मेरी एज वाले। तो सब इतने बड़े बड़े लड़का हूँ, कैसे मैनेज करती हो? बस मैं जाता हूँ, तुम भी सीखना। लगता है तुम यूनिवर्सिटी में यही यही काम करती रही हो। और ये हरम, हरम मुझे नहीं आ रहा बनाना। ये जून जुलाई में पाकिस्तान आती हूँ, लेकिन मुझे भी जाना गाना पड़ा क्योंकि मेरे भाई की शादी थी और अभी घर में पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मेरे आने से पहले, वो ख़त्म हो गया। लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में भी चल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। भाई की शादी थी इस वजह से मुझे जाना पड़ा। और मैं तकरीबन एक महीने के लिए पाकिस्तान आई हुई हूँ और इंशाल्लाह शादी अटेंड करके फिर जाऊँगी। तो मैं भी आपको यहाँ से बैग से नहीं दिखाती हूँ। जो है ना अभी स्कूल से आई गया जीना जैसे बच्चे। तो यार ये जो है ना अभी कंस्ट्रक्शन का बेसिकली काम चल रहा है, ये इसको इग्नोर करें थोड़ा। चल चल जाके इलाज करो अपना। खैर ऊपर वाले पोर्शन में भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पेंट शेंट जो है ये हो गया सारा कुछ। अभी ये गीला है थोड़ा थोड़ा, और टाइल्स वगैरह सारा कुछ। अभी फर्नीचर आएगा जरा पीछे ना एक्स्ट्रा पीपल। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और यहाँ पर भी चल रहा है और इंशाल्लाह भी शादी में तकरीबन 20-25 दिन है। लेकिन मैं पहले आ गई, मैंने कहा चले मैं भी थोड़ी शादी की तैयारियों में तो मज़ा आता है, तो इस वजह से मैं पहले आ गई थी। और अभी इस चीज़ का था कि यार देखो शादी के बाद तो बस पता है शादी होगी, भाभी आ गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन जो शादी की तैयारियाँ हैं उनमें इतना मज़ा आता है, कभी कोई कुछ अपने लिए कर रहा है ढोलक और ये वो सारा कुछ ना, तो मुझे था मैं ये मिस मत करूँ। तो इंशाल्लाह जब भाभी आएंगे उनके साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे, फिर उसके थोड़े टाइम बाद मैं जाऊँगी वापस। तो अभी इंशाल्लाह जो है ना आपसे शेयर करूँगी शादी की थोड़ी थोड़ी तैयारियाँ, तो साथ रहिएगा मेरे। मामा आ गई, हरम की मामा ट्यूशन से, हरम के पापा भी आ गए। अभी किधर से आ रहे हो? इकरा को लेके। लुकिंग गुड। इकरा पर आके भी आते हो क्या ऐसे ही? मैं सब उसे वीडियोस भेज रही थी मोबाइल में, है ना। मैं पता ही करती है इकरा ना, मतलब घर का ग्रुप पे ना उसमें ना वीडियोस भेजी जाएगी मसल चल लगातार इसकी, जितने टाइम से जॉब पे है ना इसमें वीडियोस भेजनी है। मैं उसे पूछ रही थी कि पर आती भी हो कि नहीं, तो आज मुझे कह कि ऐसी बैठ के आ जाती हो, कहती नहीं आज जो है ना मेरा लेक्चर नहीं था। मतलब ठीक हो गया। तभी ये आप देख रहे हैं ये नारोवाल का रेलवे स्टेशन है, हमारे घर से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मैं और मेरी कज़न यहाँ पर आए थे, ऐसे ही वॉक करने आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ ये शेयर करूँ। और फर्स्ट टाइम मैं ऐसे नारोवाल में कैमरा निकाल के वीडियो शूट कर रही थी। वैसे यहाँ पर ना फोटो शूट बड़ा अच्छा होगा नहीं उस वक्त, है ना। लाइक यहाँ पर हम आ नहीं सकते, करवा नहीं सकते, लेकिन स्टिल यहाँ पर बड़ा प्यारा रेलवे स्टेशन में ना फोटो शूट होगा। आगे
अच्छा वैसे कहाँ से ट्रेन आई है? मैं वैसे फर्स्ट टाइम नारवाल में ऐसे कैमरा निकाल के बोल रही हूँ, थोड़ा ऑकवर्ड भी मुझे फील हो रहा है, लेकिन स्टिल आई एम कॉन्फिडेंट। कहाँ जा रही है? लाहौर जा रही है। समोसे पकौड़े ही कच्चे पकौड़े बना के देते हैं, मुझे पता है। ट्रेन आई हुई है, मुसाफिर बैठ रहे हैं। अभी हम ऊपर चढ़ के दूसरी तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो मैं आपको वजह बताती हूँ। खैर वो वहाँ से ट्रेन आई है। तो सही है, किधर से आई है ट्रेन? मुझे लगता है लाहौर से आई है। काफ़ी लंबी ट्रेन है भाई, है ना, यहाँ पर भी फील हो रही है। और मुझे लगता है कराची से आई है, इलामा इकबाल है ये, है ना, बहुत लंबी ट्रेन है यार ये, इलामा इकबाल ही है, मुझे कंफर्म हो गया, क्योंकि इसमें इकोनॉमी क्लास है, पीछे बिजनेस क्लास भी होगा। गाइस यार ये जो है ना नारवाल का रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं ये वाला ट्रैक और जो वो वाला ट्रैक है ना, अभी तो खैर यहाँ पर रश है क्योंकि ट्रेन आई हैं और कोई ट्रेन जा रही है। यहाँ पर इन ट्रैक्स पे लोग जो है ना वॉक करते हैं, तो हम भी यहाँ पर ये जा रही है, ये ट्रेन जा रही है ना। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रैक है ना इधर जो लोग है ना वो वॉक करते हैं, ट्रेन बोलने नहीं दे रही। मैं बताती हूँ इधर जो लोग है ना वो वॉक शॉक करते हैं, लाइक अंकल औरतें वगैरह सब, बहुत अच्छा बना हुआ है स्टेशन का। और यहाँ पर इतना रश भी नहीं होता, अभी बस ट्रेन है तो इस वजह से है ना यहाँ पर रश है, और माहौल भी अच्छा होता है, लाइक आपको पता है ना पाकिस्तान का माहौल, तो यहाँ पर उसकी नस्बत माहौल काफ़ी अच्छा होता है। हम लोग यहाँ पर आए वॉक करने, अभी वेट करेंगे कि यहाँ पर थोड़ा रश कम हो, फिर हम हल्की से वॉक कर लेंगे। हमें आइडिया नहीं था कि इस टाइम ट्रेन आती है, कितने मुसाफिर उतर रहे हैं आप देख सकते हैं। वो सामने आप देख सकते हैं एक जी कब्रिस्तान, हम पास नहीं जा रहे, दूर नहीं जा रहे, एक्चुअली हमारे दादा जान और दादी जान की कब्र है यहाँ पर। तो मैं यार उस वक्त वॉक कर रहे थे, ये बिल्कुल स्टेशन के पास ही है, तो 15 मिनट की वॉक थी, हमने कहा चलो कब्रिस्तान में तो नहीं जाएंगे, दूर खड़े होके उनको पढ़ के बख्शाते हैं, उनके लिए दुआ कराते हैं। वैसे भी मेरा मानना है कि इस तरह की जगह औरत को जाना तो कब्रिस्तान में बिल्कुल भी जो है ना ममनू है, लेकिन इंसान चलो पास से गुजर जाए देख ले, इंसान को अपना पता चल जाता है कि भाई हमारी आखिरत यही है, यहीं पर ही आना है हमने। तो अभी हम आए हैं इधर, और अभी यकीन करें एक दो बार मैं इस कब्रिस्तान के अंदर गई हूँ, अभी यहाँ पर इतना खामोशी है ना, आप देख सकते हैं पहलियाँ हैं, मतलब फसलें हैं साथ ना, यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी खामोशी है, कवे बोल रहे हैं ये वो। आप कब्रिस्तान के अंदर एंटर होंगे ना, मतलब बिल्कुल भी खामोशी, इतनी खामोशी, ऐसा लगता है कि पता नहीं यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये दुनिया से ही अलग जगह है, दुनिया से अलग जगह। हाँ कभी आप खुद एक्सपीरियंस करके देखिएगा, ऐसा लगता है कि पता नहीं हम किसी और दुनिया में आ गए। तो खैर अभी आप भी जरूर दुआ किया करें अपने प्यारों के लिए जो दुनिया से जा चुके हैं, याद रखा करें उन्हें। ये है कब्रिस्तान, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, बहुत फैला हुआ पीछे। ये बताओ कि आपको ये वाली इधर देखो ना खाला, ये वाली खाला अच्छी लगती है या मैं अदीना खाला अच्छी लगती है या ईमान खाला? आप एक बताओ ना। थैंक यू। अब पता जब से मैं आई हूँ ना बस मेरे पास होते, स्कूल जाती है आके मेरे पास, तो मैं अब सारा दिन ये मेरे पास रहती है, मेरी प्यारी बेटी। तो यार ये भी हम आए हुए हैं फर्नीचर के शोरूम में, मैं मामा और हरम, हरम इधर देखो, और मामा ऊपर फर्नीचर देखने गई हुई, और हम लोग यहाँ बैठ के उनका वेट कर रहे हैं। बेसिकली काफ़ी खुला और भरा शोरूम है, मतलब आप यहाँ पर आओ, जो जो आपको फर्नीचर पसंद है देखो उसको ऑर्डर दे दो, तो ये बनवा के ले आते हैं, फिर कस्टमर आता है पसंद करता है और उनको ऑर्डर दे देता है तो ये ले लेते हैं। काफ़ी बड़ा है ये शोरूम, फैला हुआ है सारा, तो आपको दिखाती हूँ। और वो हरम बैठे हैं जी, बेटा इधर ही रहो, इधर ही रहो, इधर आओ। किधर जा रही हो, किधर जा रही हो? नानो के पास। क्यों मेरे पास नहीं बैठना, ऊपर जाना, चलो फिर चले। अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, चलो चलो ध्यान से, अरे मैं ऐसे चलोगे तो फिर परसों पहुंचेंगे ऊपर। चंदन पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सब
सबसे प्यारा कौन है? पापा नानो मामू मत कर। शाबाश ब्यूटीफुल गर्ल। अदीना खाला भी तो अच्छी है ना, आराम थोड़ी काली है लेकिन है तो अच्छी ना। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो यार ये दीना बहुत अच्छी है, तुम जो नूडल्स बना के दिए हैं। तुम शौकी हो गई हो इस लड़की। देखो तुम इससे आ जाओ बहन नहीं मेरी। ये क्या बिहेवियर है? हाँ इसने नूडल्स बना के दिए मुझे, थैंक यू। मैं तकरीबन बहुत टाइम बाद वाकई ये चटखारा नूडल्स खा रही हूँ। ये तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं था दीना, थैंक यू। ये जो है ना पेशावरी कहवा है यहाँ पर, ओह माय गॉड, पेशावरी है। बिलाल ने बना के दिया पेशावरी कहवा। तो कौन सा कहवा है? बस बोले क्या है पेशावरी कहवा? मुझे पता, मैंने मरी में बहुत बार पिया हुआ पेशावरी का। आपकी फिर भी नहीं, आप खाती इतना हो। यार ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरा आज का व्लॉग, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।